जो लड़कियां ससुर को नीचा दिखाकर घर की बहू बने वो ससुर के दिल पे बहुत मुश्किल से चढ़ती है। अम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सामान लेके आप यहाँ क्यों? अब तो मैंने फैसला कर लिया है, पक्का पक्का अब तो मैं यहीं रहूंगी। जी नहीं, आप इस घर में नहीं रह सकती। कल मेरी सेवी से सारा गिला शिकवा दूंगा। ये मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, तुमने मेरे दोस्त को फिर से मेरा लकीब बना दिया। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? मनीषा मुझे एक बात का बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे गाने गाने नहीं आते। अगर मुझे गाना गाना आता ना तो मैं तुम्हें दिन रात रोमांटिक गीत सुनाता। रोमांस करने के लिए गाना गाने की जरूरत नहीं होती, रोमांस तो आंखों में आंखें डाल के भी किया जा सकता है। एक दूसरे को अगर प्यार से छुआ जाए ना तो लम्स भी मोहब्बत के नखमे गाता है। खामोशी से चुपचाप एक दूसरे को तका जाए आंखों में आंखें डाल के तो खुद ब खुद ही मोहब्बत का सुर छिड़ जाता है। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं आंटी, डिस्टर्बेंस कैसी, आप तो जब भी आती हैं मुझे बहुत खुशी होती है। बेटा मैं बस ये कहने आई थी कि तुम लोग कहीं बाहर तो घूमने जरा चले जाओ। क्यों हुआ, कोई खास वजह? एक तो तुम दोनों का वलीमा नहीं हुआ और अभी हनीमून पर भी नहीं जा सकते जब तक सेवी के पापा राजी ना हो जाएं। और सेवी एक और बात भी है। क्या मामा? बेटा मैं संदन के लिए बहुत परेशान हूँ। एक तो माँ बाप के मरने का गम, ऊपर से तुमसे भी वो बहुत हर्ट हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों से करीब आओ, उसे दोस्ती करो और उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ ताकि उस बेचारी का दिल बहल जाए। मामा पहली बात तो ये है कि मैं संदल से माजरत करके उसका दिल अपनी तरफ से साफ कर चुका हूँ और दूसरा उसकी तन्हाई के बारे में भी मैंने कुछ सोचा है। अच्छा वो क्या? मामा मैं आपसे खुद भी बात करने वाला था ताकि आप पापा और संदल से खुलकर बात करें। हाँ बात तो बताओ। मेरा दोस्त है ना जुहेब, वो संदल को पसंद करने लगा। वाकई? और संदल? और जुहेब ने मुझे बताया कि संदल की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो। ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बेटा जुहेब का स्टेटस? उसका स्टेटस तो बहुत अच्छा है मामा, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है और सबसे बढ़कर मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे बाबा भी ये सुनकर ना बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। सबसे पहले तुम जुहेब से कहो मुझसे आकर मिले। ठीक है मामा, मैं उसको आज ही बुलवाता हूँ। ठीक है। मैं संदल और जुहेब से बात की, वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। कौन जुहेब? सैवी का दोस्त? हाँ अगर आप चाहें तो उनसे मिल लें, अच्छा लड़का है और अगर आप राजी हैं तो हम उन दोनों की शादी कर देते हैं। ऐसे कैसे राजी हो जाऊं? संदल मेरी जिम्मेदारी है, मैं संदल से खुद बात करूंगा। वो तो ठीक है लेकिन संदल ने मुझे तो ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। आप बस मुझे इतना बता दें कि अगर संदल हाँ करती है तो क्या आप उनकी शादी करेंगे? उसके ऐसे हाँ कर देने से क्या होता, मुझे जुहेब की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, कहीं वो पहले से शादीशुदा तो नहीं। हम्म।
अच्छा ये बताओ वो जुहैब की कोई खैर खबर? नहीं बाबा, लेकिन आज सुबह मैंने रिसाइट कर लिया कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो अब क्या करोगी तुम? उसके घर जाऊंगी। लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर है। हाथ जोड़कर उसके सामने मिन्नत कर लूंगी, लेकिन मेरे उसके घर पहुंचने पर वो गायब नहीं हो सकता, मजीद मुझसे नहीं छुप सकता। और उसे ये भी डर होगा कि मैं कहीं उसके घर पहुंचकर उसके माँ बाप को इस शादी के बारे में ना बता दूं। ये घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं, एड्रेस निकाह नामे पर होगा, और अगर उस पर नहीं भी हुआ तो मेरे पास उसके आईडी कार्ड की कॉपी है, उस पर तो जरूर होगा। कब जाओगी? आज ही जाऊंगी। तुम ये कदम उठाने में जरा जल्दी कर रही हो। तो मैं क्या करूं बाबा, खर्चे के पैसे भी खत्म हो गए हैं। पैसे देने का ख्याल उसे होगा, तुम्हारा ख्याल नहीं रहा उसे। आप ही बताएं बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके घर जाने से पहले उसे धमकी दो, और धमकी भी धमकी वाले अंदाज में नहीं, प्यार से, जैसे औरतें देती है ना नाज नखरे करके। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी तुमसे मिलने। बात करने का तरीका होता है, सलीका होता है। बात ऐसे की जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। तो आप डिनर के बाद कॉफी यहाँ पी रहे हैं? तुम्हारे लिए भी मंगवाई है, मैं कुछ बातें करना चाह रहा था। अंकल, मैंने तो कॉफी पी ली थी, आप कहें, आपने जो कहना है। मैं चाहता था कि ना हमें कोई इंटरप्ट करे और ना ही कोई हमारी बातें सुने। तुमसे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। तुम्हारी आंटी ने सुहेब के बारे में मुझे कुछ बताया है। ओह, तो ये बात है। उन्होंने वाकई तुमसे बात की? जी, बात तो की थी। उन्होंने कहा है कि तुम सुहेब से शादी करने के लिए राजी हो, मगर मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वैसे अंकल, यहाँ मैंने देखा है कि लड़कियाँ ऐसे मौकों पे शर्माती हैं, भी मुझे भी शर्माना चाहिए, राइट? तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ। बाप समझकर, माँ समझकर, एक दोस्त समझकर शर्माने की जरूरत नहीं। बहरहाल शादी तो किसी ना किसी से करनी है, जुहेब ही सही, एंड जुहेब इज अ गुड पर्सन, मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। तो सुहेब से मैं इस सिलसिले में मिलूं? श्योर। बेटा सदा सुखी रहो, आबाद रहो, सुख पास पास, दुख दूर दूर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जब पापा ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो लगता है मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। जो लड़कियां जबरदस्ती मर्दों से शादी करती है ना, वो बहुत जल्द मर्दों के दिलों से उतर भी जाती है। अगर आज भी सुहेब नहीं आया ना, तो मैं कल सुबह उसके घर पहुंच जाऊंगा। अंकल, मैं पिछले 4 साल से सेवी के साथ पढ़ रहा हूँ। रहते कहाँ? यहाँ करीब में ही, अपना घर है और पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। और तो किसी दिन अपने पेरेंट्स को लेके घर पे डिनर के लिए आओ। अंकल, आई थिंक ये नामुमकिन है, क्योंकि पापा अपना सारा बिजनेस जो है वाइंड अप करके अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं। बिजनेस
घाटे में था या कोई और वजह? एक्चुअली मेरे पापा बिजनेस के बहुत एक्सपर्ट हैं, तो जब चाहे अपना बिजनेस जमा सकते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस मेरे लिए छोड़ दिया ताकि मैं उसको संभाल सकूँ और खुद अमेरिका सेटल हो गए। की ख्वाहिश ये थी कि वहाँ जॉब करके वहाँ के बिजनेस को समझ सकें और वहाँ अपना बिजनेस चला सकेंगे। अकलमंदी की बात है, फोन पर तो उनसे बात हो सकती है। अंकल आप जब चाहे उनसे मिलने जा सकते हैं। What do you think, तुम संदल को खुश रख सकते हैं? अंकल मैं संदल के साथ फेयर रहूंगा और जहां मियां बीवी आपस में फेयर रहते हैं तो वो दोनों खुशी से जिंदगी गुजार सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है वैसे, जो लड़कियां जबरदस्ती मर्दों से शादी करती है ना, वो बहुत जल्द मर्दों के दिलों से उतर भी जाती है। तुम्हें ये बात किसने कही कि मैं अपने शौहर के दिल से उतर गई हूं? तुम खुद देख लो, दो ढाई हफ्ते हुए हैं तुम्हारी शादी को सिर्फ, और तुम अपनी औकात में आ गई, इतने सादा कपड़े पहने हुए और बाहर ये नौकरों वाले काम कर रही हो, किसी को तुम्हारी परवाह भी नहीं है। अंदर किसी को नहीं पता कि मैं इस वक्त यहाँ पौधों को पानी दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि उस छोटे से घर में भी मुझे कितना शौक था कि मैं हरे भरे पौधे लगाऊं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये पौधे। चलो छोड़ो इन सादा कपड़ों को, लेकिन ये कैसी शादी है? कोई रस्म नहीं, कोई वलीमा नहीं, हैरत है। हैरत मत करो अदा, 20 दिन बाद वलीमा भी होगा और बहुत अच्छा बड़ा फंक्शन भी होगा। क्या 20 दिन बाद? मगर कैसे? हैरत की बात है, तुम इस घर में रहती हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। संदल के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उनके 40वें में अभी 15 दिन बाकी है। उनके 40वें के ठीक 5 दिन के बाद संदल की भी शादी होगी और उसकी शादी के साथ साथ मेरी शादी की रस्म भी होगी और फिर हम दोनों का इकट्ठे वलीमा। और हाँ, तुम आना जरूर, खुशी होगी मुझे। संदल की शादी? मगर किसके साथ? सुहेब के साथ। सुहेब के साथ? माया आज वलीमा है, आप आएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। और तुम मुझे बच्चियों की शादियों में जो रस्में हैं उसमें इन्वॉल्व मत करो प्लीज। बस एक रस्म है, आप उसे अदा कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो क्या? बच्चे सलाम करने आ रही हैं आपको, आप उनके सर पर हाथ रख दें। आओ बच्चे आओ, सुसर से दुआएं लो। आपने इन्हें यहाँ क्यों बुला लिया? अरे मियाँ, मुंह दिखाई के लिए छोटे बड़ों के पास जाते हैं, बड़े छोटों के पास नहीं जाते। अरे बहन, मैंने तो पहले ही कहा था वो अंदर बुला लेंगे, ऐसे ही इनको बाहर खड़ा कर दिया। तुम दोनों बहुत अच्छी लग रहे हो। अरे मियाँ, ये सारी तारीफें शरीफें तुम कर दोगे तो उनके शौहर बेचारे क्या करेंगे तारीफ? अपने रिश्ते के हिसाब से दुआ दो। तो फिर और क्या कहूँ भाई? अरे मियाँ, इतने बड़े हो गए, दुआ देनी नहीं आती। चलो मैं बता देती हूँ क्या याद करोगे। ऐसे दुआ दो, बेटा सदा सुखी रहो, आबाद रहो, सुख पास पास, दुख दूर दूर, ऐसे बोलो। अच्छा भाई, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एक मिनट ठहरो, ये रखो तुम दोनों, बांट लेना। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। चलो तुम लोग जाओ, तुम लोगों को तैयार नहीं होना है ना? जी। जी कैसी दुआ दी?
दो लफ्ज अंग्रेजी के बस? इतना भी बोल दिया ना, काफी है। चलें आप आ जाएं मेरे साथ। आ गई आप? क्यों जी, मेरा इंतजार था क्या आपका? क्या हुआ? किस कदर खूबसूरत लग रही हो तुम मनीष। दिल चाहता है तुम्हारे लिए कोई खूबसूरत गजल लिखो। अच्छा, जब मैं नई नवेली दुल्हन थी तब तो आपका दिल नहीं चाहा कि मुझ पे गजल कहे, और अब अचानक ही शायरी का मूड हो गया। तुम्हें पा लेने का यकीन तो तुमसे प्यार करते ही मुझे हो गया था। मगर जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आई तो उस वक्त मेरी खुशियां कुछ अधूरी सी थी। अधूरी सी खुशियां? हाँ, जैसे अपनी खुशियां किसी से उधार मांग कर लाए। मगर आज जब पापा ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो लगता है मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। सिर्फ एक बात बताइए, आपके पापा मुझे एक्सेप्ट ना करते तो क्या हम जुदा हो जाते? जुदा होने की बात तो मत करो मनीषा। पापा क्या कोई भी हो, मैं इस पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता हूँ तुम्हारे लिए। तो कहाँ रख दिया निकाह नामा? यही तो था, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। ये रहा। अगर आज भी जोहेब नहीं आया ना तो मैं कल सुबह उसके घर पहुंच जाऊंगी।